हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग रिव्यू कर रहे हैं ये केवेंटर का चिकन पैटी। 400 ग्राम का है और इसमें लिखा हुआ है कि इसको डीप फ्राई करना है हमें 3 से 3.5 मिनट के लिए एट 180 डिग्री टू 182 डिग्री सेल्सियस, यानी कि काफ़ी हाई हीट पे हमें इसे हीट करना है, फ्राई करना है 3 मिनट्स के लिए। और ये 220 रुपीज़ का पड़ा है मुझे, इसमें 7 पीसेज हैं टोटल। तो चलिए इसको खोलते हैं। तो ये साइज़ तो सही है इसका, मैकडी के बर्गर जितना जो पैटी होता है उसी की साइज़ का है और कोटेड है ये ब्रेड क्रम से। तो इसको डीप फ्राई कर लेते हैं। मैंने डाल दिया ऑयल और इसको उतने ही टाइम के लिए डीप फ्राई करेंगे। टेम्परेचर अगर मापने का कुछ है आपके पास तो उसे माप सकते, नहीं तो अगर आपका हाई हीट पर है तो उतना लगभग टेम्परेचर आपका रीच कर गया है। दो एक बार में फ्राई कर रहे हैं हम, और जैसे जैसे टाइम पूरा हो रहा है तो देखिए कलर इसका चेंज हो रहा है। मुझे लग रहा था कि कलर नहीं आएगा, बट कलर काफ़ी अच्छा इस पर आ रहा है, धीरे धीरे गोल्डन ब्राउन हो गया। ये 3.5 मिनट्स हो गए तो मैंने इसको निकाल लिया। ये देखिए कलर कितना प्यारा आया है। अब इसका हम लोग टेक्सचर भी चेक करेंगे। तो पहले इसको बर्गर के लिए असेंबल कर लेते हैं। इसमें हम लोग वेजिटेबल्स मिला लेते हैं। टमाटर काट लिया मैंने, ये खीरा है, खीरे को भी कट कर लेते हैं। और एक दो स्लाइसेस अनियन के भी डाल देंगे। आपके पास लेटस है तो वो भी डाल सकते हैं। जो भी वेजिटेबल्स आप चाहें बर्गर में ट्राई करने के लिए डाल सकते हैं। तो बन ये मेरे पास लोकल मिल रहा था तो मैंने ले लिया। और ये बन का पैकेट मुझे 50 रुपीज़ का 5 मिला है, तो ये भी काफ़ी इकोनॉमिकल है। ये मैंने वेज मेयो ले लिया, ये अवेलेबल लो फैट का होता है ये। और इसमें मैंने डाल दिया रेड चिली सॉस और थोड़ा सा टोमेटो केचप। तो ये हमारा वो मैकडी वाला सॉस बन के रेडी हो गया। चलिए बर्गर को असेंबल कर लेते हैं। चीज़ स्लाइस नहीं है तो मैंने ये चीज़ को ग्रेट कर लिया। सेम ही टेस्ट आता है और अच्छा भी लगता है खाने में। तो इसको असेंबल कर लेते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, फेसबुक पे फॉलो कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। 220 रुपीज़ में 7 पैटीज़ हैं, यानी कि एक पैटी आपको ऑलमोस्ट 30 रुपीज़ का है। और अगर हम लोग बर्गर और वेजिटेबल्स के प्राइस और सॉसेस के प्राइस को ऐड कर लें तो 50 रुपीज़ में आपको एक चिकन बर्गर मिल जाता है, जो कि आप मैकडी में 100 रुपीज़ से ज़्यादा का खरीदिएगा। प्लस ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट एंड द सेफ्टी इशू, पैंडेमिक के टाइम में घर की सेफ्टी में अगर आपको चिकन पैटी बर्गर मिल रहा है तो मेरे अकॉर्डिंग ये इकोनॉमिकल है। अब टेस्ट हम लोग देख लेते हैं कि टेस्ट इसका कैसा है। तो इसको असेंबल करके मैं टेस्ट करके बताती हूँ आपको कि वो टेस्ट आपको मिला या नहीं। लेकिन अगर आपके बच्चे ज़िद करते हैं फास्ट फूड खाने के लिए तो घर की सेफ्टी में आप इसको मंगा करके खिला सकते हैं। टेस्ट इसका अच्छा लग रहा है और काफ़ी बड़ा भी है साइज़ में, छोटा भी नहीं है साइज़ में। टेक्सचर भी अच्छा है, फ्राई होने के बाद अच्छा लग रहा है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर